हाँ या ठीक है, तो देखो एंटीना कैन बी डिफाइन इन द फॉलोइंग डिफरेंट वेज, राइट। कैसे कि एन एंटीना मे बी अ पीस ऑफ कंडक्टिंग मटेरियल इन द फॉर्म ऑफ वायर रॉड और एनी अदर शेप विथ एक्साइटेशन। एक्साइटेशन मीन्स इट कैन बी एक्साइटेड विथ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स दैट कैन बी ट्रांसफर टू द फ्री स्पेस एंड रिसीव्ड फ्रॉम द फ्री स्पेस, राइट। इन अदर वेज वी कैन ऑल्सो से दैट एन एंटीना इज अ सोर्स और रेडिएटर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, मीन्स इट रेडिएट्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स एंड इन अदर वे इट रिसीव इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, राइट। एंड एंटीना इज अ सेंसर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। अगेन सेंसर, व्हाट इज सेंसर? सेंसर सेंसेस समथिंग। इन दिस केस, इन केस ऑफ एंटीना, इट इज सेंसिंग द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स इन टर्म्स ऑफ रिसीविंग एंड्स एंड इट ट्रांसमिट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव फ्रॉम द ट्रांसमिटर एंड। ठीक। इन अदर वेज एंड एंटीना इज अ ट्रांसड्यूसर। ट्रांसड्यूसर, व्हाट आर ट्रांसड्यूसर? ट्रांसड्यूसर्स कैन डू, ट्रांसड्यूसर कैन ट्रांसमिट अ फॉर्म ऑफ एनर्जी टू द अदर फॉर्म ऑफ एनर्जी, राइट। अब अगर अदर केस में देखें, एन एंटीना इज एन इम्पीडेंस मैचिंग डिवाइस, इट इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। इफ इम्पीडेंस डज नॉट मैच बिटवीन एंटीना एंड ट्रांसमीटर और एंटीना एंड रिसीवर, देन देयर इज नो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ट्रांसमिशन फ्रॉम ट्रांसमीटर टू द रिसीवर। एन एंटीना इज अ कपलर बिटवीन अ जनरेटर एंड स्पेस और वाइस वर्सा। ठीक। ये पांच छह तरीके की हमारी अलग अलग डेफिनेशन है, और एक अगर हम शॉर्ट फॉर्म में या शॉर्ट डेफिनेशन एंटीना की बताना चाहें तो बहुत ही शॉर्टेस्ट फॉर्म में हम कह सकते हैं कि एन एंटीना, हीना लिखना है तुमको इसको, है ना? एन एंटीना इज अ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ट्रांसड्यूसर और सिंपली अ ट्रांसड्यूसर विच कैन ट्रांसमिट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स फ्रॉम द ट्रांसमीटर एंड इट रिसीव इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव एट द रिसीवर एंड। ठीक है, फिर से बोलूं क्या? यस सर, एन एंटीना इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। आप फिर से बोलता हूँ, पूरा पूरा लिखना है ना। एन एंटीना इज अ ट्रांसड्यूसर, ट्रांसड्यूसर विच ट्रांसफर इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू इनटू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी। ठीक है। देखो इसमें होता क्या है कि एंटीना एक ट्रांसड्यूसर की तरह काम करता है, क्योंकि जो ट्रांसमीटर के पास होता है वो एनर्जी कौन सी होती है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी होती है, इन टर्म्स ऑफ वोल्टेज, वेव फॉर्म, करंट एंड सो एंड सो, राइट। तो ये क्या करता है, उस इलेक्ट्रिकल एनर्जी को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी में कन्वर्ट करता है जब हम ट्रांसमीटर एंड पे बात करते हैं। पर जब हम रिसीवर एंड पे बात करते हैं तो ये क्या करता है, अगेन ये ट्रांसड्यूसर होता है लेकिन उस जगह उल्टा काम करता है। उल्टा कैसे? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है, राइट। तो ये दो तरीके की चीजें हमारी इसमें होती हैं, है ना। रेडिएशन मैकेनिज्म अगर इसकी हम समझें तो इस वाले में समझाने की कोशिश करूं मैं आपको। हम समझते हैं डाइपोल के माध्यम से, है ना। तो देखो डाइपोल क्या होता है, एक सिंपल, ये देखिए जैसे हमारे सामने अब खुल गया डाइपोल, ये देखो डाइपोल स्क्रीन पर देखना ही ना। हाँ, ठीक है। अच्छा, इससे पहले कभी हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जब भी पढ़ी है तब हमने ये पढ़ा था, पढ़ा होगा तो इनके बीच में एक इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स होता है, राइट, जो प्लस से चलता है और माइनस पे टर्मिनेट होता है। ऐसे ही कुछ होता है हीना, सुन रहे हो? हाँ सर। एक मैग्नेटिज्म बनता है कि नहीं बनता है? जब दो इलेक्ट्रो प्लस और माइनस चार्जेज होते हैं, अलग अलग चार्जेज होते हैं, तो प्लस से शुरू होता है और माइनस पे टर्मिनेट होता है। ये होता था। तो अब मान के चलो कि हमने यहाँ पर ये जो सामने स्क्रीन आपकी दिख रही है इसमें ऊपर वाला जो कंडक्टर है इस पे माइनस चार्ज है और नीचे वाला कंडक्टर है इस पे प्लस चार्ज,
राइट तो क्या होगा कि एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव एक मैग्नेटिक बनेगी यहाँ से बनना चालू होगी और प्लस क्या के खत्म होगी ऐसे नंबर ऑफ चार्जेज होंगे बहुत सारे राइट तो क्या होगा कि एक मैग्नेटिक फील्ड बन जाएगी एंटीना के चारों तरफ अब एक एम्पियर्स लॉ हमने पढ़ा है एम्पियर्स लॉ क्या कहता है कि अगर कहीं पर मैग्नेटिक फील्ड है तो वहां से इलेक्ट्रिक फील्ड भी बनती है यस और नो यस ठीक है इससे मैग्नेटिक फील्ड बनी यहाँ पर ये इसके डाइपोल के अराउंड तो ये हॉरिजॉन्टल बन रही है वर्टिकल डायरेक्शन में एक इलेक्ट्रिक फील्ड भी बन जाएगी राइट तो क्या होगा कि एक साइकिल में इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगी और दूसरी साइकिल में मैग्नेटिक फील्ड बनेगी राइट और रॉन्ग यस सर अपना माइक थोड़ा सा ऑफ कर दो इना है ना हाँ सर ठीक है तो अभी सुनते जाना फिर हम बाद में क्वेश्चन आंसर्स का सेशन रखेंगे ठीक है तो इस तरीके से हम चलते हैं तो हमें ये यहाँ से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स बन जाती है राइट अगर करंट डिस्ट्रीब्यूशन करें इन थिन वायर एंटीना तो आप देखोगे कि करंट डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब होता है कि चार्जेज उस पर्टिकुलर कंडक्टर पर किस तरीके से होंगे ठीक है तो देखो ये लैम्डा बाई टू क्या है वेवलेंथ का हाफ अगर मान के चलो फुल वेवलेंथ है तो इसका हाफ वेवलेंथ का करंट डिस्ट्रीब्यूशन ऐसा होगा ठीक है मीन्स एंड पर मिनिमम होगा फिर करंट बढ़ती चली जाएगी और बीच में जहाँ प्लस चार्ज है वहां पर फॉलो होगा फिर कम होता चला जाएगा फिर जैसे ही साइकिल चार्ज नेगेटिव वाली चालू होगी तो फिर मैक्सिमम जाएगा फिर मिनिमम हो जाएगा इस तरीके से ये चलता जाएगा अगर ये डाइपोल का केस होता है तो डाइपोल की जो लेंथ होती है वो लेंथ लैम्डा बाई टू होती है लैम्डा बाई टू मीन्स जो भी वेव लेंथ है जो फ्रिक्वेंसी पे हम एंटीना को बना रहे हैं उस फ्रिक्वेंसी का हाफ क्या कहलाता है वेव लेंथ राइट तो ये चीजें आपको दिख रही होंगी राइट फिर हम आगे आते हैं तो ये डाइपोल का केस है डाइपोल का मैंने अभी कहा ही आपसे कि इसमें देखो डाइपोल के केस में अगर करंट डिस्ट्रीब्यूशन की आप बात करोगे तो बीच में जहां पर सेंटर है उस सेंटर पे ये मिनिमम होगी और एंड पर ये फिर से मिनिमम हो जाएगी डाइपोल के बीच में कहीं ये मैक्सिमम होगी राइट ठीक है इसी तरीके से अगर देखो तो डाइपोल का जो डायमीटर होता है वो मच मच लेस देन लैम्डा बाई टू होगा राइट फिर ये करंट डिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है डाइपोल में फिर इसके बाद में हम स्किप करते हैं और ये फिर से एक करंट डिस्ट्रीब्यूशन का कॉन्सेप्ट बताया गया है राइट इसका मैं इस वाले जो चीज है आपके सामने शेयर करूंगा है ना तो देखो करंट डिस्ट्रीब्यूशन फिर से अगेन ये लैम्डा बाई फोर है लैम्डा बाई फोर मीन्स डाइपोल से भी आधा ठीक है डाइपोल से भी आधा मीन्स लैम्डा बाई फोर एक हाफ में होगा और लैम्डा बाई फोर दूसरे हाफ में होगा तो इसकी जो करंट डिस्ट्रीब्यूशन है डाइपोल में मिनिमम हो रही थी सेंटर पे इस केस में मैक्सिमम होगी सेंटर पे आप जो देख पा रहे होंगे तो ठीक है और जो मैक्सिमम कितनी होगी 0.707 आई नॉट के बराबर होगी है ना ठीक है हिना यस सर ठीक अब हम एंटीना पैरामीटर्स की बात करें तो एंटीना पैरामीटर्स में सबसे पहले जो पॉइंट आता है वो होता है रेडिएशन पैटर्न है ना तो रेडिएशन पैटर्न क्या होता है एन एंटीना रेडिएशन पैटर्न और एंटीना पैटर्न इज डिफाइंड एज अ मैथमेटिकल फंक्शन और अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ रेडिएशन प्रॉपर्टीज ऑफ द एंटीना एज अ फंक्शन ऑफ स्पेस कोऑर्डिनेट्स इसको सिंपल शब्दों में समझो सिंपल शब्दों में मैं समझाऊंगा आपको तो देखो रेडिएशन पैटर्न क्या होता है कि जब रेडिएशन अगर हम किसी एंटीना से करते हैं या रिसीविंग जब हम करते हैं तो एंटीना किसी एक डायरेक्शन में ज्यादा वेव को रेडिएट करता है किसी डायरेक्शन में कम करता है किसी डायरेक्शन में उससे ज्यादा कर सकता है और किसी डायरेक्शन में वो अपने एक अलग तरीके से पैटर्न को रखता है तो जो रेडिएशन एंटीना जो रेडिएट करता है अपनी एनर्जी को उसको हम ग्राफिकल फॉर्म में रिप्रेजेंट करवाते हैं किसके माध्यम से रेडिएशन पैटर्न के माध्यम से
देखो जैसे कि अगर हम इस फील्ड इस केस में बात करेंगे, देखो हमने माना कि एंटीना हमारा यहाँ प्लेस्ड है कहाँ पर, सेंटर पे, तो मैक्सिमम एंटीना कहाँ पर एनर्जी को रेडिएट करेगा, जेड डायरेक्शन में, आप देख पा रहे होंगे जेड डायरेक्शन यहाँ पर है ना, तो जेड डायरेक्शन में मैक्सिमम रेडिएट कर रहा है, वाई डायरेक्शन में कुछ कम कर रहा है और एक्स डायरेक्शन में भी कुछ कम कर रहा है, ठीक है। तो ये इस तरीके से इसमें हम पूरा का पूरा इसके रेडिएशन पैटर्न को बनाते हैं। रेडिएशन पैटर्न सिंपल ग्राफ पेपर पे बनता है, ग्राफ पेपर में जनरली हम 3D जो रेडिएशन पैटर्न होता है वो 3D में होता है इन जनरल, लेकिन क्योंकि हम रेडिएशन पैटर्न को 3D में हम बना नहीं सकते, राइट, 3D में हम नहीं बना सकते, मतलब कि हमारे पास सिर्फ पेपर होता है, पेपर के अलावा 3D में एक डायरेक्शन और होना चाहिए, पेपर में हम एक हॉरिजॉन्टल और एक वर्टिकल लाइन दो खींचते हैं, राइट और रॉन्ग है ना। तो हम क्या करेंगे कि उसके रेडिएशन पैटर्न को बनाने के लिए हम पेपर का, सिंपल पेपर का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। तो इस केस में अगर आप देखते हैं और रेडिएशन पैटर्न आप देखें, जैसे ये रेडिएशन पैटर्न आपके सामने दिख रहा है, ठीक है, अगर मान के चलो ये थीटा 0 degree अगर इस साइड में शो हो रहा है ना, 0 degree पर ये मैक्सिमम रेडिएशन दे रहा है, और ये HPBW केस में है, ये FNBW है, ये मैं दोनों आपको बताऊंगा, ये हाफ पावर पॉइंट बैंडविड्थ है, ये फ्री नल बैंडविड्थ है, ठीक है। तो फ्री नल क्या होते हैं और हाफ पावर पॉइंट्स क्या होते हैं ये भी हम लोग एक्सप्लेन करेंगे इस केस में। देखो अभी पहले तो रेडिएशन पैटर्न को हम समझें, ठीक। तो रेडिएशन पैटर्न क्या हो रहा है कि केंद्र में अगर हम देखें सेंटर पे, तो यहाँ से अगर हम देखते हैं तो मैक्सिमम रेडिएशन किस डायरेक्शन में एंटीना कर रहा है, 0 degree की डायरेक्शन में कर रहा है, फिर इसके अलावा दूसरी डायरेक्शन में भी वो कर रहा है पर बहुत कम रेडिएशन पैटर्न रेडिएट कर रहा है, ठीक है। तो जो मैक्सिमम जहाँ पर डायरेक्शन में आपकी एनर्जी रेडिएट कर रहा है इसको बोलते हैं हम प्रिंसिपल विड्थ और मेजर लोब, क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल विड्थ और मेजर लोब, ठीक है। जो अदर डायरेक्शन में करता है इसको क्या बोलते हैं हम, माइनर लोब्स, ठीक है। तो जहां पर बिल्कुल कोई भी डायरेक्शन में नहीं करता है उसको बोलते हैं हम फ्री नल या सिर्फ नल, नल मीन्स जहां पर कोई एनर्जी रेडिएट नहीं हो रही है, राइट। तो ये इस तरीके से हम इसको